नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग काफी पुरानी रही है। एक लंबे अरसे से नीतीश कुमार केंद्र सरकार से लगातार बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है और हाल के नीति आयोग के बैठक में भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से ये मांग रखी है। क्या है जेडीयू का स्टैंड, हम जानेंगे जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी से, जो कि पटना के लाइव सिटीज के स्टूडियोज में मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। लगातार हम देख रहे हैं आपकी पार्टी एक तरीके से मांग भी कर रही है और दबाव भी बना रही है केंद्र सरकार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए। क्या है अब आपकी स्ट्रेटेजी? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आजादी के 70 वर्षों में बिहार को अगर बेहतर अवसर मिले होते विकास के, तो आज विशेष राज्य दर्जा के मांग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज कांग्रेस के लोग विशेष राज्य दर्जा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलना नहीं चाहिए कि 1953 में कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन वित्त मंत्री टी के कृष्णाचारी ने ट्रेड इक्विलाइजेशन पॉलिसी के जरिए बिहार को जो उद्योग के बेहतर औद्योगिकरण के दिशा में बिहार को जो लाभ हो सकता था माइंस एंड मिनरल्स होने की वजह से, उसको फ्रेट इक्विलाइजेशन के फैसले के जरिए उन्होंने पलट दिया। और उसके बाद सेस और रॉयल्टी को लेकर के दोहरे मानकों का शिकार बिहार हुआ। झारखंड बनने के पहले निरंतर ये बिहार की ओर से दबाव बनता रहा कि क्रूड ऑयल के लिए आप अलग तरीके का आप रॉयल्टी और सेस तय कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कोयला, लोहा, मैंगनीज, अब्रक ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए दोहरे मानदंड क्यों हैं। विभाजन हुआ, विभाजन के समय एक अरेंजमेंट हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बिहार को जो विभाजन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोषांग बनेगा, वो आकलन करेगा और क्या रोडमैप होगा उस पर विचार करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें छूटती चली गई। उसके बाद हर 5-ईयर प्लान में बिहार को जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो केंद्रायुक्त योजनाओं का लाभ हो सकता था, राज्य के बजट के निर्धारण में केंद्रीय सहायता की जो भूमिका हो सकती थी, वो लगातार बिहार को एक सौतेले व्यवहार का शिकार होना पड़ा। और उसकी वजह ये है कि बिहार पिछड़ता ही चला गया। 12 वर्षों का जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल है, इसमें हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की, एक करिश्माई राजनेता और एक बेहतरीन प्रबंधकीय कौशल के जरिए उन्होंने संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार को विकास के नए आयाम गढ़ने के अवसर दिए। और इन 12 वर्षों में हम 10 बार ऐसे हैं जब हम लोगों ने डबल डिजिट में ग्रोथ रेट दर्ज किया। आधे दर्जन से ज़्यादा अवसरों पर हम लोगों ने देश का सर्वश्रेष्ठ विकास दर दर्ज करने का काम किया। लेकिन इतना संकीर्ण हमारा आधार था, जिस आधार से हमको आगे बढ़ना था, वो आज भी हम विकसित राज्यों के पाथ में खड़े होने से कम अगर ये रफ्तार जारी रख पाए तो भी 25 साल हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ये जो क्षेत्रीय विषमता का सवाल है, न केवल बिहार बल्कि देश के उन तमाम राज्यों में जहाँ नीतिगत निर्णयों के जरिए विकास की जगह पिछड़ेपन उनके भाग्य में दर्ज कर दिया गया, ये उन सबकी लड़ाई है। और विशेष राज्य दर्जा कहीं ना कहीं इस पूरे पिछड़ेपन से उभरने में वो एक सूत्रधार की उसकी भूमिका हो सकती है, और विकास की जो हमारी लड़ाई है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचाने में हम लोगों को मदद मिल पाएगी। लेकिन राजीव, आप ये महसूस नहीं करते कि 12 साल से राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री हैं और बिहार को अभी भी आप विकासशील डेवलपिंग स्टेट ही मान रहे हैं, डेवलप्ड स्टेट नहीं बना पाए हैं, क्या ये नीतीश कुमार जी का फेलियर नहीं है? मैंने आपको आपके प्रश्न पूछने के पहले वो पृष्ठभूमि बता दी, बिहार जहाँ था जहाँ तक पहुँचा है 70 वर्षों के बिहार का, जो ये 12 वर्ष है इसका स्वर्ण काल है। इन 12 वर्षों में बिहार जो कुछ हासिल कर सकता था, प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद, संसाधनों के अभाव के बावजूद, केंद्र की जो नकारात्मक सोच रही है, जो केंद्र का असहयोग रहा है, उसके बावजूद ये विकास हमने हासिल किया है। और इसीलिए हमारा मानना है कि अगर एक रुग्ण राज्य को हम विकास की पटरी पर बढ़ाने में सक्षम हुए हैं, तो ये प्रबंधकीय कौशल और जो नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला
तो बहुत जल्द देश के विकसित राज्यों की बात पर खड़े। अगर नहीं केंद्र सरकार आपको दे देती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये बिहार के 11 करोड़ लोगों के लिए न केवल अस्मिता स्वाभिमान का सवाल है, बल्कि ये जीवन मरण का सवाल है। ये विकास का एक अधिकार है जो हम केंद्र से मांग रहे हैं। जब भी देश की जीडीपी में बिहार जैसे राज्य के योगदान की चर्चा होगी, तो ये बराबर कहा जाएगा कि 8.5% आबादी का जो राज्य है वो जीडीपी में केवल 2.5% योगदान कर पाता है। लेकिन वजह भी तो जानना होगा। हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतना संसाधन दीजिए कि हम आपके जीडीपी में आबादी के अनुरूप हम योगदान कर पाए, और इसीलिए यह रणनीति है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, विशेष राज्य दर्जा के साथ साथ बैंकों की जो भूमिका रही है, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को लेकर हम सवाल खड़े करते रहे हैं, अगर बिहार से 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक डिपॉजिट केंद्रीकृत जो बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, और जो शेड्यूल्ड बैंक है, उनको हम करते हैं, तो वो जब वो बिहार में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमारे यहाँ पैसे लगाए नहीं जाते, वही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वो 30-40% के बीच में अब 42% पर पहुँचा है। और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ 60% से ज़्यादा पैसे हमारे जैसे राज्यों का पैसा जाता है और उन राज्यों में लगता है। ये कई परिस्थितियाँ हैं, लंबे समय तक कोल लिंकेजेस, कोल ब्लॉक्स, हम विकास की लड़ाई लड़ते रहे हैं और निरंतरता के साथ लड़ते रहे हैं, इसलिए हमको पूरा भरोसा है ये देश के उन तमाम गरीब पिछड़े राज्यों की लड़ाई है जो बिहार लड़ रहा है, इसको एक मुकाम मिलना है, मंजिल जो है उस पर हम जरूर इस लड़ाई को पहुंचाएं। फिर भी सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए आप नहीं पा पाते हैं, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो जेडीयू के स्टैंड बाई प्लान क्या है? जेडीयू वैसी परिस्थिति में क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक काल्पनिक परिस्थिति है कि नहीं मिलेगी। हमारे काल्पनिक परिस्थिति हम निरंतरता के साथ अगर इस अभियान को चला रहे हैं, और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, अगर करोड़ों लोग इस मांग को मांग रहे हैं तो सेंटर को इस बात को देर सवेर मानना पड़ेगा। ये एक मैंडेट है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने चुनाव अभियान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात की है। हमारी पार्टी ने भी कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस अभियान की अगुवाई करते रहे, और बिहार का ये विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। इसका अर्थ ये है कि 11 करोड़ बिहारियों का ये प्रस्ताव है, और किसी भी प्रजातंत्र में उस राज्य की जनता की भावनाओं की अनदेखी या अनसुनी करके लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ये जनता की जो मांगे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, उस पर विचार करना ही पड़ेगा। अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो क्या जेडीयू एनडीए से अलग हो सकता है? देखिए, ये एक वर्ष के लिए कोई टाइम फ्रेम में हम इस लड़ाई को नहीं मांग रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि अभी एग्रीकल्चर रोड मैप को लेकर के हम लोगों ने अभी अपनी बातें रखी है। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय, जो बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के जो केंद्रीय राहत है, कृषि रोड मैप में केंद्रीय सहायता को लेकर के उन्होंने बातें कही हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये साथ साथ ये भी चल रही हैं जिसके जरिए हम बिहार को बेहतर स्थिति में ला पाएंगे। तो ये कमोबेश एक समग्रता के साथ इस विकास को लेकर के जो हमारा चिंतन है, जो विचारधारा है, उसको उन तथ्यों के साथ हम जोड़ कर चल रहे हैं कि हम साथ साथ समानांतर तैयारियां भी विकास के बारे चलती रहेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर अगर विकास बेहतर विकास के अवसर राज्य को दे रहा है तो जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। 7 और 8 जुलाई का क्या कार्यक्रम है पार्टी का? ये 7 को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है और 8 को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में। दिल्ली में क्या मुद्दा होगा? देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर विश्लेषण होगा। हम रोड मैप तैयार करेंगे, हमारा जो लक्ष्य होगा निर्धारित होगा, लक्ष्य तक पहुंचने की जो रूपरेखा होगी उस पर विचार होगा, और राज्यों से आए प्रतिनिधियों से बात करने के बाद अंतिम निर्णय की बैठक में लोग आएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए भी कुछ चर्चा हो सकती है? निश्चित तौर पर। ये तो कहीं ना कहीं राजीव जी आप इसे जेडीयू और नीतीश कुमार जी का ही अचीवमेंट मानेंगे कि कांग्रेस भी आज की तारीख में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रही है। शक्ति सिंह गोहिल का स्टेटमेंट आया, उन्होंने भी कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो प्रयास करेगी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले। क्या ये जेडीयू और नीतीश कुमार का अचीवमेंट है? देखिए, हमारा ये मानना है कांग्रेस ने वो ऐतिहासिक अवसर खो दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 कांग्रेस की
पूरी तरह से कांग्रेस की सरकारें इस देश में रही है, चार गठबंधन सरकारों की उन्होंने अगुवाई की और आजादी के 70 वर्षों में 49 वर्ष उन्होंने देश में शासन किया है। अगर बिहार की गरीबी, बिहार का पिछड़ापन उनको अब तक नहीं दिखा तो हम कह सकते हैं कि अभी वो राजनीति कर रहे हैं। और न केवल कांग्रेस बल्कि हमें भारतीय जनता पार्टी से भी अपेक्षाएं हैं कि अगर आपने चुनाव अभियान में विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के अपना समर्थन जताया था, इस मांग को लागू करने का वायदा किया था, तो जरूर इस वायदे को जमीन पर उतारना चाहिए। चलते चलते आखिरी सवाल है सर, एक कयास बार बार मीडिया में भी आ रहा है, राजनीतिक पंडित भी लगा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू और एनडीए के जो और बाकी पार्टनर्स हैं लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर के खटपट हो सकती है। आखिर क्या व्यवस्था करेंगे आप लोग चारों अलायंस पार्टनर ताकि चीजें सुचारू ढंग से लोकसभा चुनाव में हो सके? अब इस तरह के अटकलबाजी पर और ऐसे बयानों पर नीतीश कुमार जी के बयान के बाद पूर्ण विराम लग गया है। नीतीश कुमार जी ने कहा है चुनाव में अभी वक्त है, हम लोग आपस में बैठेंगे और हम लोग सीटों पर सहमति कायम करेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हम लोगों ने जो बातें कही हैं, सीटों की संख्या कल क्या थी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज उसमें दो घटकों की जगह चार घटक हैं। बैठकर बात करेंगे लेकिन हम लीड पार्टनर होंगे, बड़े भाई की भूमिका में होंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर 2019 में एनडीए को बिहार का चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए अपना चुनाव लड़ेगा, मगर नीतीश कुमार की पार्टी को कितनी सीटें पे टिकट मिलेगी? बिहार के 40 सीटों में सबसे ज्यादा अलायंस में जनता दल यूनाइटेड को एक घटक के तौर पर सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी और वो एक लीड पार्टनर बीजेपी से भी ज्यादा सीटें मिलेगी निश्चित तौर। बीजेपी, मैंने कहा एनडीए के तमाम चारों कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बीजेपी, आरएलएसपी, लोजपा, ये सभी दलों को याद करके मैं कह रहा हूँ कि जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो कुल मिलाकर के लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से जेडीयू के स्पोक्सपर्सन और सीनियर लीडर राजीव रंजन ये ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो खैर लड़ेगी ही लड़ेगी और सभी सीटों पर जो सीट शेयरिंग की बात होगी उसमें भी जेडीयू की सबसे बड़ी भूमिका होगी। फिलहाल के लिए लाइव सिटीज पटना के न्यूज रूम से मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ इतना ही, नमस्कार।